हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साई कोचिंग सेंटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। तो जैसा कि प्रतिशत बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत ही बेसिक लेवल से मैं बताने वाला हूँ, जिन्होंने कभी भी प्रतिशत को अच्छे से नहीं समझा है वो आज पूरी अच्छी तरीके से इसको जान भी लेंगे और प्रतिशत आराम से निकाल भी सकते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को देर तक देखें और लास्ट तक देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रतिशत बस कुछ ही समय में आने लगेगा और आप कोई भी प्रतिशत निकाल पाएंगे, किसी का भी प्रतिशत निकाल पाएंगे। और उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। इससे पहले फ्रेंड्स, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को और सभी स्टूडेंट्स को और जो भी कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी मेरे इस बेसिक लेवल पे सिखाए गए प्रतिशत का लाभ हो सके, जिससे वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। तो आज जैसा कि मैंने कहा कि आज प्रतिशत होगा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग क्या आते हैं कि हम लोग प्रतिशत का आखिर उपयोग क्या है और ये आया क्यों, पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो जब हम लोग किन्हीं दो समजातीय संख्याओं, समजातीय संख्याओं का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किन्हीं दो समजातीय संख्याओं की तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो प्रतिशत कैसे आता है कि कोई भी समजातीय, हम लोग सेब का साथ अमरूद का तुलना नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा 10 क्लास में मैथ में लाया है 90 या लाया है 60 नंबर और एक बच्चा 1 क्लास में पढ़ता है वो मैथ में लाया है 100 में 100, तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं 10 क्लास वाले बच्चों को कि देखो एक क्लास में बच्चा पढ़ता है और मैथ में 100 में 100 ला दिया है और तुम लोग इतने बड़े हो गए हो और कितना नंबर लाए, 100 में 60, ये क्या मजाक है। तो बच्चे क्या कहेंगे पता है, बच्चे कहेंगे कि सर जो 1 क्लास वाले बच्चे का पेपर है वो तो बहुत इजी होता है, उसमें सिर्फ काउंटिंग दिया रहता है, काउंटिंग दिया था, 2-1 का पहाड़ा था, ऐसे था, लिखना था, यानी बहुत ही इजी था, हम लोगों का तो लेवल बहुत ही हाई है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 क्लास और 10 क्लास वाले के बच्चों का आपस में तुलना नहीं किया जा सकता है, उनका दिमाग अलग है, उनका सिलेबस अलग है, हर चीज़ अलग है। तो उसी प्रकार जब भी हम लोग तुलना करते हैं तो कंडीशन जो होता है सेम होना चाहिए, यानी समझाती 10 क्लास का बच्चा का अगर तुलना हम लोग कर रहे हैं तो 10 क्लास के बच्चे के साथ कर सकते हैं वो भी ठीक, और 1 क्लास के बच्चे के अगर तुलना करना है तो 1 क्लास के बच्चे का साथ कर सकते हैं ठीक। उसी प्रकार जब हम संख्याओं में तुलना करते हैं तो उसमें भी समजातीय संख्याओं को लेना होगा, हम लोग सेंटीमीटर का तुलना मीटर से नहीं कर पाएंगे, दोनों को पहले चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगभग सेम जाति में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग 5 अमरूद को और 10 सेब को जोड़े तो कितना होगा, तो बहुत सारे बच्चे गलत जवाब देते हैं, बोलते हैं सर 15 होगा। अमरूद और सेब दोनों अलग जाति है, तो अलग जाति होने के कारण अगर हम लोग जोड़ देते हैं, बोलते हैं 10 अमरूद, 5 अमरूद और 10 सेब मिला के 15 हो गए, तो 15 क्या हुए, सेब हुए ना अमरूद हुए, तब बच्चे हंसने लगते हैं, अरे सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इसीलिए कोई भी जोड़ घटाओ हम लोग करेंगे तो समजातीय संख्याओं में करेंगे, उसी तरह से तुलना भी करेंगे तो समजातीय संख्याओं में ही करेंगे ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग 10 सेब लाए थे बाजार से और 5 अमरूद लाए थे, हम लोगों ने क्या किया, 2 अमरूद को खा लिया, तो बताओ कितने सेब बचे, तो सेब तो 10 ही बचेंगे क्योंकि हमने खाया तो अमरूद है, तो अमरूद खाने से सेब तो कम नहीं होगा, तो क्या कम होगा, अमरूद कम होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम लोग करेंगे तो वह समजातीय संख्याओं में होता है। जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत, तो उसमें भी हम लोग कोई भी तुलना करेंगे और प्रतिशत कैसे आता है इसके बारे में बताएंगे, तो आप लोग देखेंगे कि समजातीय संख्याओं में ही होगा ठीक। तो मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई लिखाई आप सभी कर रहे हैं और सभी मार्क्स के पीछे भाग भी रहे हैं, तो हम मार्क्स का ही एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोई टेस्ट का फुल मार्क्स जो है वो 60 नंबर है, कितना है 60 नंबर, और मार्क्स स्कोर्ड यानी जो आपने मार्क्स लाया है वो मान लीजिए यहाँ पे है आपका 36,
कितना है 36। तो मार्क्स कितना है 36 है, कितना है बच्चों 36। तो अब हम लोग तुलना कैसे करते हैं, आप लोग अपने स्कोर कार्ड अपने रिजल्ट में देखते होंगे या कभी टेस्ट होता होगा तो कॉपी में मार्क्स कैसे देते हैं सर, देते हैं मार्क्स 36/60, यानी आपका 36 मार्क्स आया है, लेकिन कब आया है, जब आपका पेपर 60 नंबर का था। कितना नंबर का था, 60 नंबर का था। यानी हम लोग तुलना, जिससे तुलना करना होता है वो नीचे होता है, जिसका तुलना करना होता है वो ऊपर होता है, ठीक। अब एक बच्चा क्या किया है, वो 40 का पेपर था, ठीक, उसमें लाया है मान लीजिए हम 28 नंबर लाया है। कितना लाया है 28, तो इसका तुलना कैसे होगा, वो बच्चा 28 लाया है, कब लाया है, जब पेपर 40 का था, तब पेपर 40 का था। तो यहाँ पे जब हम लोग, ये मान लीजिए कोई एक बच्चा ए है और ये एक बच्चा बी है, तो इन दोनों का जब मार्क्स का हम लोग तुलना कर रहे हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर नॉर्मली पूछा जाए तो कौन बच्चे ने अच्छा किया है, तो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर 36, ए ने 36 लाया है, ए ने कितना लाया है 36 और बी ने 28 लाया है, तो ए तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अभी अभी हमने बताया कि तुलना हमेशा बराबर वालों में ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ए का पेपर था वो 60 का था, यानी ज़्यादा नंबर का था, लेकिन बी का पेपर क्या है 40 का था, यानी यहाँ पे जो टोटल मार्क्स का पेपर था वो अलग अलग है ना। तो अलग अलग होने के वजह से हम लोग इन दोनों का आपस में फिलहाल तुलना नहीं कर सकते, फिलहाल तुलना नहीं कर सकते। लेकिन कब तुलना कर सकते हैं, अगर दोनों का पेपर हम लोग समान कर दें। समान कैसे करेंगे, अगर ये 60 का है ये 40 का है, तो कोई ऐसा पेपर हम लोग इसको रूप चेंज करके या इसका कैसे भी थोड़ा सा चेंजेस ला करके इसको बदल करके अगर हम लोग ऐसा कर दें कि दोनों का तुलना हम लोग कर पाए, एक समान संख्या आ जाए जिसमें उनका मार्क्स निकल जाए, ठीक। यानी ऐसा एक संख्या है कि इसका भी फुल मार्क्स मान लीजिए 100 हो जाए या इसका भी फुल मार्क्स मान लीजिए 100 हो जाए, और तब देखा जाए कि ए ने कितना नंबर पाया है और बी ने कितना नंबर पाया है, तब हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे। लेकिन अभी हम लोग देख करके कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, इसीलिए इन्हीं सब संख्याओं की तुलना करने में बहुत ही कठिनाई होती थी और समझ में नहीं आता था। ये तो बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं, लेकिन जब हम और बड़ी संख्या लेंगे, जब हम लोग अकाउंट्स में जाते हैं, जब हम लोग हिसाब करते हैं, या बड़े बड़े व्यापारी लोग जब सामान खरीदते हैं तो उनको कितना परसेंट का लाभ या कितना प्रतिशत का घाटा हो रहा है, जब करोड़ों वाले नंबर आते हैं तो उसमें ऐसे न्यूमेरिकल यानी नंबर के तौर पे उन सभी को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तब हम लोग कैसे समझते हैं, उसको प्रतिशत के रूप में समझते हैं कि आपका 2% का लाभ हो रहा है या आपका 1% का हानि हो रहा है, तो इससे वो लोग कैलकुलेशन कर लेते, अच्छा 100 रुपया हम लगा रहे हैं तो 2 रुपया लाभ हो रहा है, हाँ अच्छा ही लाभ है, या नहीं हमको और लाभ चाहिए, तो कैलकुलेशन समझने में आसानी हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी तुलना हम लोग देख रहे हैं उस तुलना को प्रतिशत में जस्ट चेंज किया जाता है समझने के लिए। तुलना यहाँ तक ही हो जा रहा है, लेकिन प्रतिशत क्यों आया, इन चीज़ों को और आसान बनाने के लिए समझने में, इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए समझने में। तो हम लोग किसी भी संख्या का तुलना करेंगे जिसका तुलना करना होगा ऊपर, जिसके लिए तुलना करना होगा 60, यानी 36 लाया है ए, कब, जब फुल मार्क्स 60 नंबर का है। 28 लाया है बी, कब, जब पेपर 40 नंबर का है। तो यहाँ पे ए और बी में किसने अच्छा किया अभी तक हम लोग जानकारी नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रूप चेंज करके इनको सेम संख्याओं से तुलना करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या होता है, 1/100, यानी जहां कहीं भी हम लोग प्रतिशत देखेंगे वहां पे 1/100 लिख सकते हैं, और जहां कहीं भी 1/100 देखेंगे वहां पे हम लोग प्रतिशत लिख सकते हैं। इतना थोड़ा सा तुम आप लोगों को याद रखना होगा कि जहां भी प्रतिशत देखेंगे वहां 1/100, और जहां भी 1/100 देखेंगे वहां प्रतिशत आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं। जहां हमें प्रतिशत में चेंज करना हो वहां पे, अब हर जगह नहीं लिखना होगा। तो बच्चों अब इसका रूप हम लोग चेंज करेंगे किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का। कोई भी हम लोगों का सवाल दिया गया है तो हम लोग उसमें जितना मन उतना चेंजेस ला सकते हैं, जितना मन उतना अपने आवश्यकता अनुसार उसके रूप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए।
यानी कोई भी सवाल हम लोगों को दिया गया है तो उसमें हम किसी से जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो चेंजेस को हटाने पर या उस चेंजेस से किसी भी प्रकार के इस सवाल के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रूप चेंज हो सकता है। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया, चलो इसमें भी कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या देखा, इसका मान तो चेंज हो गया। इसका मान क्या हुआ, चेंज हो गया। पहले 36/60 तब गुणे 100, यानी 100 गुना हो गया। लेकिन हम लोग तो सिर्फ रूप चेंज कर सकते हैं, मान में चेंज नहीं ला सकते। इसलिए इस नियम को सही साबित करने के लिए मैंने क्या किया, 1/100 लिख दिया। तो ये 100 भाग में है, ये 100 गुणा में, ये क्या होगा, कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 से जब इस संख्या में गुणा करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, जस्ट इसके रूप में परिवर्तन, दिखने में अब वो अलग लग रहा है, पहले 36/60 था, अब क्या दिखने में लग रहा है, गुणे 100 गुणे 1/100। तो थोड़ा दिखने में अलग लग रहा है लेकिन मान में कोई भी परिवर्तन हमने नहीं किया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 1/100 लाना होगा। तो देखो हम लोगों ने चेंज कर दिया ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग, 1010 क्या होगा, कट जाएगा। 6 से क्या होगा, क्या होगा, 6×4=36, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 6×10 मान लीजिए 60 आ गया, क्या आ गया 60 गुणे 1/100। यहाँ पे क्या आ गया, 28/40, इसको काटेंगे, 1010 कट गया, 4 से जाएगा 7 बार में, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 70 गुणे 1/100। अगर इस चीज को हम लोग ऐसे लिखे, 60×60/100, और इस चीज को हम लोग ऐसे लिखे, 70×70/100। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोगों का पेपर अलग अलग था ना, ये 60 का था, ये 40 का था, तो हम लोग बता नहीं पा रहे थे कि कौन से बच्चे ने अच्छा किया। लेकिन अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, चालाकी से इसके रूप में परिवर्तन जस्ट किया है, मान में कोई भी परिवर्तन हमने नहीं किया है। और दोनों का पेपर अब देखिए, 100 का आ गया ना, दोनों का पेपर किसका आ गया, 100 का आ गया ना। अब हम लोग आसानी से तुलना कर पाएंगे ना, तो 100 में ए ने कितना लाया है, 60 लाया है, और 100 में बी ने कितना लाया है, 70 लाया है। तो किसने अच्छा किया है, आसानी से हम लोग बोल पाएंगे, बी ने अच्छा किया है, ठीक। तो तुलना करने के लिए जो कठिनाई होती थी उसको दूर करने के लिए ही प्रतिशत का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 और 1/100 का मतलब अभी हमने बताया कि क्या होता है, प्रतिशत। यानी इसने 100 में 60 नंबर लाया, 60% का मतलब क्या हुआ, 100 में 60 नंबर लाया, और इसने क्या किया, 70%, यानी 100 में 70 नंबर लाया, यानी बी ने बहुत ही अच्छा किया है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, और भी चीज़ें हैं जो हमको पढ़ाना होगा, और किस प्रकार से जब प्रतिशत दिया रहेगा तो उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक। अभी बहुत ही एकेडमिक लेवल पे पढ़ाई हो रहा है, जिससे कि जो बच्चे हैं जिनको मैथ एकदम भी नहीं आता है वो भी सीख पाए, और धीरे धीरे मैं लेवल को अप करूँगा और हायर लेवल तक ले जाऊँगा, जिससे कि कोई भी बच्चे कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जिनको मैथ एकदम भी नहीं आता है, जो एकदम बिगिनर है और यहाँ से हर चीज़ों के, या जिसको मैथ आता भी है वो सवाल बना भी पा रहे हैं, बड़े बड़े सवाल हल कर पा रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ही बेसिक जानकारी नहीं होती है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कैसे इन सब का हम लोग यूज क्यों करते हैं और क्यों ज़रूरत पड़ी करने के लिए। तो वो सब बच्चे भी ये वीडियोस देखें तो हायर लेवल का भले ही वो लोग मैथ ठीक कर पा रहे हो, लेकिन उनका बेसिक भी ठीक रहना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने जस्ट क्या किया, यहाँ पे 60 का पेपर था तो 36 लाया, 40 का पेपर था तो 28 लाया, तो कंपैरिजन करने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने इसका रूप चेंज कर दिया। कैसे कर दिया, दोनों का 100 में निकाल लिया कि 100 का अगर पेपर है तो इसने कितना लाया है, अगर 100 का पेपर है तो इसने कितना लाया है। तो प्रतिशत का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं कि दो असामान्य संख्याओं का अगर तुलना करना है, असामान्य लोगों का तुलना करना है, तो उनको पहले तुलना करने से पहले एक कॉमन संख्या लाना पड़ता है जिसमें कैलकुलेशन होता है कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर जैसे एक दो एग्जांपल से हम लोग और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए के पास 100 रुपया है,
ए के पास कितना है 100 रुपया है, या मान लीजिए 120 रुपया है, और बी के पास कितना है 180 रुपया है। ठीक, तो यहां पे क्या बोला है कि ए के पास बी का जो रुपया है, ए के पास 120 रुपया है, बी के पास 180 रुपया है। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि बी के पास ए से कितना अधिक, कितना प्रतिशत लिख लेते हैं हम लोग, अभी हम लोग प्रतिशत पढ़े, कितना प्रतिशत अधिक रुपया है। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं कि ए के पास 120 रुपया है, बी के पास 180 रुपया है, तो बी के पास ए से कितना प्रतिशत अधिक रुपया है। अधिक बोला है, अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक का मतलब अगर बी के पास 180 है, ए के पास 120 है, तो बी का कितना पैसा ज्यादा है, वो कैसे निकलेगा, बी माइनस अगर ए करेंगे तो 180 माइनस 120 यानी कि कितना आ जाएगा 60 रुपीस, यानी एक बी का पैसा ए से कितना ज्यादा है 60 रुपया। अब इसका बोला है प्रतिशत निकालने, तो इसलिए क्या होगा, जिसका प्रतिशत निकालना होगा वो ऊपर रहेगा, जिसके लिए परसेंट, तो बी का रुपया ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी का जो अधिक रुपया है उसका तुलना हम लोग कर रहे हैं ए के पास जितना पैसा है, तो क्या हो जाएगा 120। अब इसका रूप चेंज करेंगे, क्या करेंगे, रूप चेंज करेंगे, तो 100 अपने से लिए तो इसको हटाने के लिए 1/100 लेंगे, 1010 कट गया, 12 से 5 बार में 60 यानी कितना आ जाएगा 50। 1/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत, 1/100 को क्या, तो कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, जो बी का रुपया है वो ए से 50% अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, 50% अधिक है। अब इसका उल्टा एक क्वेश्चन अगर हम लोग ऐसे ले लें, ए के पास बी से कितना प्रतिशत रुपया कम है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे ए के पास जो पैसा है वो बी से कितना परसेंट कम है, इसके बारे में तुलना हो रहा है, इसके बारे में तुलना हो रहा है। तो ये तुलना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कितना पैसा कम है, तो 180 है बी का पास, ए का पास 120, तो कितना हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 रुपया कम है। लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ए के पास जो पैसा है, जो कम पैसा है बी के लिए, तो तुलना बी से कर रहे हैं, तुलना किससे कर रहे हैं, बी से, तो बी वाले क्या रहेगा, नीचे रहेगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यानी जिसका तुलना करना है ऊपर, जिसके लिए तुलना करना है वो नीचे। यहाँ पे क्या हम लोग तुलना कर रहे थे कि बी के पास ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी तुलना करना है लेकिन ए से तुलना करना है, इसीलिए ए का मान क्या किए हम लोग, नीचे किए, ए का मान क्या किए, नीचे किए, ए का मान हम लोग क्या किए, नीचे किए। लेकिन ए का मान नीचे किए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ए के पास बी से कितना प्रतिशत रुपया कम है, यानी तुलना करना है लेकिन बी से करना है, जो रुपया कम है उसका तुलना किससे करना है, बी से करना है, इसलिए बी का संख्या क्या होगा, नीचे होगा। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, रूप चेंज करेंगे, तो 1010 कट गया, 6 से जाएगा 3 बार में 6 से जाएगा 10 बार में, तो बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 100/3 क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग इक्वल टू लिखते हैं, नीचे फिर दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा, 100 × 10^100/3, और 1/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंट। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 3 × 9 3 × 9 33 सही, 1/3%। तो बच्चों आशा करते हैं आज ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका उल्टा कैसे होता है और बहुत सारा सवाल कैसे, ये अभी परसेंटेज का फर्स्ट क्लास है, जस्ट बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को दी, इसके बाद आगे और भी पढ़ाया जाएगा, रेगुलर क्लासेस के साथ आप जुड़े रहिए, जुड़े रहिएगा तो आपको धीरे धीरे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मैथ अच्छे से हो पाएगा, और रेगुलर मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहें इसलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, और जितना भी ज़्यादा अच्छा हो सके आप शेयर भी करें, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो
तो आप कमेंट भी करें और मुझसे हमेशा जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।